Assalamualaikum. I am from 2UHA Education System. आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसका नाम है क्लासरूम मैनेजमेंट, जो कि TEFL का, TESOL का और ELT का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर. टीचर्स की ड्यूटी ना सिर्फ पढ़ाना होता है, बल्कि क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर जो भी इश्यूज़ आते हैं इनको भी लेकर चलना होता है, इनको भी हैंडल करना होता है. तो क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाता है, द डेफिनेशन ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है. द बेसिकली क्लासरूम मैनेजमेंट एम्बॉडीज के अंदर क्या क्या आ जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफेक्टिव टीचिंग ऑफ कॉन्टैक्ट. जो आपकी टीचिंग ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, वो इफेक्टिव होने चाहिए. क्योंकि अगर क्लासरूम मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता ही तब है जब टीचर्स को ही ना पता हो कि टीचर्स क्या पढ़ाने जा रहे हैं अपने क्लास में और टीचर्स क्या पढ़ा रहा है अपनी क्लास के अंदर. तो इसीलिए इफ़ेक्टिव टीचिंग कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो सेकंड पॉइंट है पावरफुल टीचिंग स्ट्रेटजीज. पावरफुल टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, जो टीचर्स हैं ना वो टीचिंग के लिए स्ट्रेटजीज, पावरफुल स्ट्रेटजीज यूज़ करता है कि इस कि किस वे में, किस मेथड को यूज़ करते हुए स्टूडेंट को किस तरीके से बताना है, किस तरीके से पढ़ाना है, क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी है. ज़्यादातर टीचिंग इश्यूज तभी आते हैं जब टीचर्स को टीचिंग स्ट्रेटजीज ही ना पता हो. तो इसीलिए पावरफुल टीचिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए. तो थर्ड है हमारे पास एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू सपोर्ट प्रोडक्टिव लर्निंग. यानी कि जहाँ पर स्टूडेंट बैठ रहे हैं उनका जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पर सीट लगाई गई है, क्या वो प्रॉपर अरेंजमेंट में है, क्या जो स्टूडेंट्स हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ ग्रुप्स बैठे हुए हैं या रोज की फॉर्म में बैठे हुए हैं. तो जो क्लासरूम का स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट्स के बैठने का इन्वायरमेंट है A to Z, वो भी फॉल करता है क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर. इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ सोशल इमोशनल डोमेन्स ऑफ लर्निंग. जो सोशल इमोशनल डोमेन्स ऑफ लर्निंग है, इसका भी आप इफ़ेक्टिवली यूज़ करें. एंड द लास्ट वन इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल टीचर्स अप्रोच मैनेजमेंट एज द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इफ़ेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट्स. कि सबके ज़्यादा हमारे पास अप्रोच है मैनेजमेंट की. इस अप्रोच के अंदर जो क्लासरूम का और लर्निंग एनवायरनमेंट का, वो एक इस्टेब्लिश फॉर्म में होना चाहिए या मेंटेनेंस फॉर्म में होना चाहिए. तो अगर कोई भी आपसे पूछे क्लासरूम मैनेजमेंट, व्हाट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आपने इसमें बताना है क्लासरूम मैनेजमेंट एम्बॉडीज इफेक्टिव टीचिंग ऑफ कॉन्टैक्ट, पावरफुल टीचिंग स्ट्रेटजीज, एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू सपोर्ट प्रोडक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव यूज़ ऑफ सोशल इमोशनल डोमेन्स ऑफ लर्निंग, द मोस्ट सक्सेसफुल टीचिंग अप्रोच मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इफेक्टिव लर्निंग एनवायरमेंट्स. ये है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन. तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है. तब चलते हैं इसके की एलिमेंट्स की तरफ. एलिमेंट्स फर्स्ट है स्कूल वाइड डिसिप्लिन थ्रू आउट क्यूरिकम. क्लासरूम डिसिप्लिन स्कूल के डिसिप्लिन के बगैर पॉसिबल ही नहीं है. तो इसमें ज़रूरी है कि क्लासरूम मैनेजमेंट को क्यूरिकम का पार्ट बनाया जाए. क्यूरिकम किसको कहते हैं, बेसिकली द प्लान ऑफ एक्शन फॉर द एंट्री स्कूल प्लान ऑफ एक्शन. पूरे स्कूल के लिए जो प्लान ऑफ एक्शन होता है ना, इसको क्यूरिकम कहते हैं. तो यहाँ पर ये किया गया है कि इसी क्यूरिकम का पार्ट मैं क्लासरूम मैनेजमेंट को भी बनाया जाए. सो नेक्स्ट पॉइंट है क्लासरूम डिसिप्लिन अगेंस्ट, ये भी लिंक्ड करता है क्यूरिकम से. टीचर्स और स्टूडेंट्स इन दोनों को पता होना चाहिए कि क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होता है, क्लासरूम इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं और कैसे बिहेव करना है. सो थर्ड पॉइंट है क्लासरूम बेसिक
रूल्स जो कि टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए होते हैं, जो कि दोनों ने फॉलो करने होते हैं। तो क्लासरूम बेस्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, कि जो टीचर्स हैं ना, टीचर्स को पता हो कि क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इन स्टूडेंट्स की क्या नीड्स हैं, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि समटाइम्स क्लासरूम के अंदर ज़्यादातर इश्यूज इसलिए आते हैं कि टीचर्स को पता ही नहीं होता स्टूडेंट की क्या नीड्स हैं, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए टीचर्स को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट की क्या नीड्स हैं, इसके अकॉर्डिंग ही वो क्लासरूम को मैनेज कर पाएंगी। सो नेक्स्ट पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेजर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स यहाँ पर रेफर्स करते हैं केयर टेकर्स को, ये उन लोगों को जिनका इंटरेस्ट क्या है इन दी फील्ड ऑफ स्टडी, कि वो किस तरीके से अपने बच्चे को लेकर चल सकते हैं, कैसे वो बच्चे की एजुकेशन को लेकर चल सकते हैं, इनका खुद इसके अंदर क्या रूल है। सो नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंस टू सोशल इमोशनल लर्निंग। जो सोशल इमोशनल लर्निंग है ना, वो डील करता है विद द डोमेन्स ऑफ इफेक्टिव एजुकेशन ऑफ रेफर्स टू सोशल नेटवर्किंग, कम्युनल फीलिंग्स, शेयरिंग एंड केयरिंग कनेक्शंस से स्टूडेंट्स हैव इन स्कूल। सो नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल सीटिंग इन द क्लासरूम। ये जो क्लासरूम की फिजिकल सीटिंग है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो रोज में बैठे हैं, ग्रुप्स में बैठे हैं कि पेयर्स में बैठे हैं, स्टूडेंट का जो इन्वायरमेंट है सिटिंग के लिहाज से वो कंफर्टेबल है या नहीं, स्टूडेंट का जो इन्वायरमेंट है सिटिंग के लिहाज से वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छे तरीके से समझ सकें। और जो 8th पॉइंट है, डैट इज़ रोल मॉडलिंग बाय टीचिंग एंड केयर गिवर्स। स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर से सीखते हैं कि इस टीचर्स को, इसलिए टीचर्स को चाहिए कि क्लास में टीचर्स प्रॉपरली बिहेव करें। सो एज इट इज़ बच्चे भी क्लासरूम में प्रॉपरली बिहेव करें। क्लियर? तो इस वीडियो में हमने सिंपली क्लासरूम मैनेजमेंट सीखे कि किस तरह क्लासरूम को मैनेज किया जा सकता है। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।